देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। पद्मभूषण श्री रामविलास पासवान का आज बरसी है। तकरीबन पटना में कृष्णापुरी नगर में कह सकते हैं यहाँ 2000 से ज़्यादा अधिक यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई थी। अब बता दो कि यहाँ तकरीबन हो सकता है कि बिहार के और भारत के सभी राज्य से नेता, बड़े बड़े नेता जो उनके गठबंधन किए हुए थे, उनसे जुड़े हुए थे, सभी राजनेता जो लोजपा के प्रत्याशी, चिराग पासवान के प्रत्याशी नेता थे, सभी यहाँ उपस्थित 12 तारीख को उनके बरसी पर उपस्थित थे पटना में, श्री कृष्णापुरी में। मैं बता दूं कि अब कोसिए सीधे ले ये चलते हैं उनके गेट पे के पास किस तरह की व्यवस्था किया गया था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से भीड़, आप देख सकते हैं उनके गेट का किस तरह का, कितनी अच्छी, मौसम वैज्ञानिक भी रह चुके हैं श्री रामविलास पासवान, और देख सकते हैं कितनी अच्छी नज़ारा है कृष्णापुरी में। प्रशासन, लोग, बड़े बड़े भारत के, हो सकता है सभी नेता इनसे मिलने के लिए आए हैं। मैं आपको डायरेक्टली सीधे अंदर ले लिए चलता हूँ और वहाँ का माहौल दिखाऊँगा किस तरह का है। और हो सकता पटना का कह दूँ कि यहाँ सभी पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो है देखभाल के, किसी तरह का यहाँ कोई भीड़ भड़कता या कह सकते हैं कि कोई क्षतिग्रस्त ना हो, इसके लिए वो पूरी तैयारी की हुई थी। और मैं बता दूं कि अब आपको डायरेक्ट सीधे लिए ले चलता हूँ किस तरह का अंदर प्रबंध है, खान पान का, लोग का, भीड़ किस तरह का है। और माननीय जो स्वर्गवास श्री रामविलास पासवान पद्मभूषण, उनके अंदर में किस तरह से कार्य चालू है, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं इस जगह के सबसे ये चीज़ की एक, इसमें बड़े राजनेता जो मशहूर हैं वो गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, उनको शायद वो अभी चिराग पासवान से मिलकर और पद्मभूषण रामविलास पासवान से मिलकर उनके माला अर्पण करके उनसे मिलकर वापस लौट कर जा रहे हैं। उनके पीछे कितनी ज़्यादा भारतीय सेना फौज लगी हुई है, पुलिसकर्मी उनके अंदर में गाड़ी में बैठे हुए हैं। मैं आपको क्विकली देख सकते हैं किस तरह से वो लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। आप और मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली आप बाहर के लिए ले चलता हूँ और वहाँ का माहौल दिखाऊँगा कि और अंदर में किस तरह का, आप देख सकते हैं सिर्फ ज़्यादातर यहाँ सादा ड्रेस में सिर्फ राजनेता आए हुए थे, जो भी चिराग पासवान के चाहने वाले थे। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितनी अच्छी से सजावट की हुई है और लोगों का भीड़ जो देख सकते हैं किस तरह से उमड़ पड़ा है, जिनको भी आमंत्रित किया गया था चिराग पासवान ने श्री पद्मभूषण रामविलास पासवान के बरसी पर, सभी लोग यहाँ आए हुए थे, पुलिसकर्मी भी, सभी लोगों को सुरक्षित एक जो नियम के तौर पे लोगों को सही तरीके से देख रेख के लिए रखा गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी अच्छी सजावट की गई थी। और मैं बता दूं कि एक कृष्णापुरी पटना में चिराग पासवान का पूरा फैमिली है, चिराग पासवान वहीं इस तरह का आयोजन रखा गया था श्री चिराग पासवान के उनके डेरे पर। आपको मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ भीड़ की कितनी ज़्यादा, यहाँ वो दिखाता हूँ पीछे करके कैमरा दिखाइए कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आदमी तकरीबन मैं बता दूँ कि यहाँ 50,000 से ज़्यादा जो नेता कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, यहाँ पधारे हुए थे। सभी के लिए एक स्पेशल प्रबंध किया गया था। हालांकि इस पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ लगी हुई थी और इसमें चिराग पासवान जी से शायद कोई भी बड़े से बड़े नेता हो उनसे मिलने की कोशिश करता था, बट आप देख सकते हैं भीड़ के अनुसार इतनी ज़्यादा उनके पास शायद टाइम नहीं मिलने के बावजूद वो किसी से उतना मिल नहीं पाए। और जो है कि लेकिन सबको वो अपने आप देख सकते हैं, इस वीडियो में बता दूं कि ये भी बिहार के सबसे दिग्गज नेता है, उनके साथ आप देख सकते हैं कि शंकर सिंह तो बहुत ही बिहार के मशहूर नेता रह चुके हैं, रुपौली विधानसभा से लोजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे कुछ मीडिया वाले बात करते हैं कि उनके बारे में आपको कैसा लगा, किस तरह का यहाँ माहौल महसूस कर रहे हैं आपका, किस तरह से पिछले
अब जो उनके नेता हो चुके हैं आप देख सकते हैं, श्री शंकर सिंह के साथ में जो है लोजपा प्रत्याशी आलमनगर विधानसभा से क्षेत्र से लोजपा का जो है कि अभिषेक आनंद जी जो है कि उनके साथ खड़े हुए हैं, साथ उनके और भी कई सुरक्षाकर्मी हैं शंकर सिंह के, देखिए आप देख सकते हैं अभिषेक आनंद जी भी है, और ये लोग तमाम लोग पटना पहुंचे हुए थे कृष्णापुरी विलास पासवान के बरसी पर, श्री चिराग पासवान से भी मिलने की कोशिश सभी यहां करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ लगी हुई थी, सजावट की बात की जाए तो देखिए यहां इस फोटो में कि रंग आप कह सकते हैं कि सभी मंच पर एक कलाकार उपस्थित हैं जो भजन कीर्तन के तौर पे निर्गुण जो कि मन को भावे इस तरह का माहौल यहां रखा गया था। और बता दूं कि इसमें पूरी तरीके से सभी लोग उसे मिलना चाहते हैं, और शायद ये मीडिया वाले स्पेशल कर्मी जो है कि यहाँ उनके लिए अलग से प्रबंध किया गया था हर चीज़ के लिए, ताकि वो इंटरव्यू प्लस जो भी जानकारी थी उनसे ले सके, अलग से हर चीज़ का व्यवस्था किया गया था। और इसमें और भी आप देख सकते हैं कि उनके साथ पुलिस कर्मी भी खड़े हैं, दूसरे वीडियो में आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखिएगा कि मैं और भी आपको डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सजावट की गई है, और उनके जो आपसी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और बता दूँ कि इस तरह का सजावट प्लस आप देख सकते हैं सिर्फ सादा कपड़ा में ही ज़्यादातर यहाँ नेता लोग जो भी लोजपा के प्रत्याशी नेता थे गठबंधन से द्वारा सभी यहाँ टोटल बिहार के तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए थे जो उनके प्रत्याशी चाहने वाले थे, और जो भी रामविलास पासवान के उनसे जुड़े हुए संबंध में थे सभी यहाँ पहुँचे हुए थे। और बता दो कि शायद बताया जा रहा है कि सजावट की बात तो इतनी अच्छी थी यहाँ कि आप इसके वर्णन नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सजावट अच्छी तरह से की गई थी और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए वहाँ पूरा प्रशासनिक ढंग से व्यवस्था की गई थी, और भीड़ की तो बात की ही नहीं जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। और बता दूं कि आप देख सकते हैं खान पान का किस तरह का प्रबंध, आपको डायरेक्टली लिए ले चलता हूँ इस तरह का माहौल में से आपको डायरेक्ट आप देखिएगा कि लोग जो वहाँ आए हुए थे उनके लिए खान पान का व्यवस्था जो किस तरह से किया गया था, सभी नेता मीडिया कर्मी आप अपने यहाँ वो अपने काम में लगे हुए हैं, स्पेशल व्यवस्था किया गया था मीडिया के लिए प्लस नेता लोगों के लिए। अब डायरेक्ट अब आपको ले चलते हैं कि खान पान का किस तरह व्यवस्था, आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट सभी लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं और प्लेट के साथ उनके खाने के लिए डिस्पोजल बोतल भी दिया जा रहा है, और खान पान का जो प्रबंध किया गया था कुछ इस तरह से है, देखिए दिया गया है डायरेक्ट, मैं बता दूँ कि ये आप डायरेक्ट देख रहे हैं साहिल कुमार के द्वारा, न्यूज पटना का न्यूज़ है जो कि श्री रामविलास पासवान के उनके बरसी पर आए हुए हैं तमाम लोग, ये वो लोग का आप सीन देख सकते हैं जो कि खाना परोस रहे हैं जो प्रसाद के रूप में, जो बरसी पे श्री पद्मभूषण रामविलास पासवान के उनके चाहने वाले उनके नेता लोग यहाँ आए हुए थे, उन्हीं का फोटोज आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के साथ किस तरह से खाना का प्रबंध था इसी माहौल में। यहाँ तकरीबन खाना में अब मैं बता दूँ कि 2 या 3 हज़ार से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ खाना खा सकते। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रामविलास श्री चिराग पासवान जो है उतना तो किसी से मिल नहीं पाए, बट उन सभी से चाहा कि आशीर्वाद के तौर पे मैं ले सकूँ सभी राजनेता से। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि तेजस्वी जी भी आए थे चिराग पासवान से मिलने के लिए, उनसे मिल के गए। मैं बता दूँ कि सूचना के अनुसार नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री उनको भी सूचना दिया गया था, बट वो राजनीतिक या कह सकते हैं किसी भी अपने मंसूबे उनको लगा कि उल्लंघन करते हुए नहीं आए। मैं बता दूं कि अभिषेक आनंद है जो आलमनगर विधानसभा से लोजपा का इस बार कैंडिडेट, और शंकर सिंह के साथ तमाम लोग पटना आए हुए थे, और मैं बता दूँ कि मैं साहिल कुमार जो तिली पंचायत तक से, धन्यवाद।